हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगा जो कि 2023-24 के लिए होगा। वैसे कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की न्यू बुक्स रिलीज हुई हैं जिनमें न्यू सिलेबस दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास ओल्ड बुक्स होती हैं, इसीलिए मैं आपको सिलेबस ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। आप अपने बुक में टिक कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स की बुक में देखें तो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में से चार्जिंग बाय इंडक्शन ये टॉपिक डिलीट हो गया है, यानी आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, उनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल, मीटर ब्रिज और पोटेंशियल मीटर, ये तीनों टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी ये तीनों टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में से मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट फील्ड और टोरॉइड, ये दोनों टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से दी अर्थ्स मैग्नेटिज्म और परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, उसमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद सिक्स चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से एनर्जी कंसिडरेशन, अ क्वांटिटेटिव स्टडी और एडी करंट्स, ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स आने वाले हैं, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस भी जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार ज़रूर चेक करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेवन चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में से एलसी ऑसिलेशन डिलीट हो चुका है, यानी आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको सभी पढ़ने हैं, उनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद एट्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद नाइन्थ चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से डिस्पर्जन बाय अ प्रिज्म और सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, ये दोनों टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये दोनों टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें पता चल सके कि कौन सा चैप्टर सिलेबस में है और कौन सा नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कट चुका है, यानी आपको ये एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ने। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं,
वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 12 है एटम्स। तो दोस्तों इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई। तो दोस्तों अगेन इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 14 चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों इस चैप्टर में से स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स, जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये चारों टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको बुक में दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद चैप्टर 15 और लास्ट चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो चुका है, यानी आपको ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना। इसमें से कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और नोट्स की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।